बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट टेंस पे जाने से पहले जो टेंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया उसका मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। वो टेस्ट आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे क्लास के बाद भिजवाना है, क्लास के दौरान मुझे व्हाट्सएप नहीं भिजवाना, क्लास के बाद भिजवा दीजिएगा, फिर मैं आपको आपके मार्क्स भी बताऊंगा, ठीक है। मैं कुछ उर्दू में जुमले लिखूंगा, आप लोग बेशक उर्दू लिख के ना लिख के इंग्लिश जरूर लिखिएगा, उर्दू लिख लिया तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे चेकिंग करने में भी आसानी होगी, ठीक है। पहला जुमला है, हम फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा बेटा, मैं जो कि बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूं ना अभी 1 महीना, तो इसलिए स्पेशली पेरेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर तो बहुत इजी इजी सी चीजें पढ़ा रहे हैं। मैं खुद चाहता हूं कि मैं आप लोगों की बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूं, उसके बाद मैं एडवांस मोड में चला जाऊं, ठीक है। तो मैं मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें और बहुत इजी इजी चीजें सिर्फ पढ़ा रहा हूं, यानी अभी जो एडवांस लेवल है वो 1 महीना 1.5 महीने बाद आएगा, क्योंकि मैं खुद, मेरा ये फार्मूला है कि मैं जब बच्चों को बेसिक पढ़ा लूं तो उनको फिर एडवांस स्टेज पे कवर करने की में कोई मुश्किल पेश नहीं आती, ठीक है। तो मैं चूंकि बहुत इजी इजी चीजें पढ़ा रहा हूँ इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मुश्किल क्यों नहीं पढ़ा रहे। यार मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग पहले स्ट्रक्चर सीखे, पहले आप लोग का बेस बने, बुनियाद बने, और फिर हम जाके एडवांस चीजें चीजें करें, ठीक है। तो पहला जुमला है, हम फुटबॉल खेलते हैं, इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। दूसरा, बारिश होती है, बारिश होती है। नंबर थ्री, वो खाना नहीं खाता, वो खाना नहीं खाता है। नंबर फोर, हम पार्क जाते हैं, हम पार्क जाते हैं। और नंबर फाइव होगा, उर्दू भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एक मैं आपको दे रहा हूं जो मैंने कल भी पढ़ाया था, हम गाय की देखभाल करते हैं, हम गाय की देखभाल करते हैं। ये 5 जुमले आप लोग पहले नोट कर ले, बेशक बाद में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम गाय की देखभाल करते हैं। टेस्ट रिव्यू ऑफ प्रेजेंट सिंपल, ओके। उसके बाद मैं आप लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यू भी पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट सिंपल में आप लोगों ने नोट किया कि इसकी जो पहचान है वो है ता है ती है। इन सब चीजों में आप, इन सब जुमलों में आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि उर्दू के जुमले के आखिर में ता है ती है आ जाए तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है, ठीक है। ही शी इट नेम के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है, आई वी यू दे के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। और जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाए और आपने डज नॉट लगा दिया तो आगे फॉर्म ऑफ वर्ब में आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे। अगर आप एस या ई एस लगाने की गलती करेंगे तो आपको ये 2 मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके 10 मार्क्स हैं, 5 × 2 = 10, 10 मार्क्स का आप लोग का टेस्ट है, आप लोग टेस्ट क्लास के बाद भिजवाएंगे मुझे। जी हुजैफा, सर ने टेस्ट कर लिया।
इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हैंड रेज नहीं करना किसी ने। टेस्ट कर लिया तो सब लोग करेंगे ना जी। महातीर सर ये कौन सा काम करना है, मैं भी आया हूँ। ये पांच जुमले जो मैंने आपको दिए हैं, ये आप लोगों ने घर में इसकी इंग्लिश बनानी है और इंग्लिश बना के क्लास के बाद मुझे सेंड करना है, ठीक है? ये मैं ग्रुप पे इसकी पिक्चर भिजवा रहा हूँ। नहीं बस अभी सिर्फ जुमले नोट कर लें, क्लास के बाद बना लीजिएगा, ठीक है? जो लोग अभी बना सकते हो बेशक अभी बना लें। ये टेंस मैंने पढ़ा लिया इसलिए आप लोगों को टेस्ट दे दिया, इससे जो अगला टेंस है वो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं, ठीक है? मैंने पिछले दो लेक्चर्स में आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल पढ़ा लिया। अगर किसी ने क्लास अटेंड नहीं की या नेटवर्क का इशू था तो वो काइंडली उन क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उसके बाद ये टेस्ट कीजिएगा। अगर किसी को टेस्ट ना आ रहा हो तो उसको रिकॉर्डिंग लाजमी सुननी चाहिए। मेरे ख्याल में तो मैक्सिमम लड़कों को आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। जी ओजान अहमद आपको आ रहे हैं बेटा जुमले? यस सर। ओके सर आ रहे हैं जुमले। गुड एक्सीलेंट। ओके उम्मीद है सब लोगों ने नोट किया होगा। तो मैंने वैसे भी इसकी पिक्चर ग्रुप पे भिजवा दी, आप लोग बाद में आराम से कीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस उसकी जानिब जा रहा हूं, ठीक है? सो आवर नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अभी टेस्ट को छोड़ दे बेटा, अभी यहां देखे बस जुमले आप लोगों ने नोट कर लिए। जो लड़के क्लास में लेट आए हैं वो ग्रुप से बाद में टेस्ट देख लीजिएगा, मैंने ग्रुप पे उसकी पिक्चर भिजवा दी है, ठीक है? तो अभी काइंडली नेक्स्ट सेशन की तरफ देखिएगा। तो क्या सब स्टूडेंट्स रेडी है नेक्स्ट टेस्ट के लिए? क्या आप लोग रेडी है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें जुमले के आखिर में आएगा रहा है, रही है, वगैरह वगैरह, ओके वगैरह यानी एटसेट्रा। जैसे वो स्कूल जा रहा है, पिछले टेंस में आपने पढ़ा वो स्कूल जाता है और ये कंटिन्यूस है तो इसमें आएगा वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब आपने यहां क्या जज किया? आपने एक ही चीज जज की कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आर एम आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? जैसे इस वाले जुमले में इज लगा, किसी और जगह पे आर भी लग सकता है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है? ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा, जितनी भी सिंगुलर है उनके साथ इज लगेगा। आर कहाँ लगेगा? दे के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ भी आर लगेगा, ठीक है? यू आर प्लेइंग फुटबॉल। जबकि आई के साथ जो है वो एम लगेगा, ठीक है? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है? और एक और चीज आप लोगों ने जज की वो क्या थी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आई एन जी लगा दिया,
यानी इसका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये इसका फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दी कि आपको जुमले के आखिर में मिलेगा रहा है, रही है वगैरह, तो इससे आपको पता चल गया कि यार ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, रहा है, रही है वगैरह। दूसरी चीज जो मैंने रेड कलर से लिखी है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? इज आर एम, यानी ही के साथ इज लगेगा, शी के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा, और आर कहां लगेगा? दे के साथ आर, वी के साथ आर, और यू के साथ भी आर, और आई के साथ जो है वो एम लगेगा। आई एम गोइंग टू स्कूल। और इसका फॉर्म ऑफ वर्ब है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम सिंपल कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये आप लोग काइंडली अपने रजिस्टर पे नोट कर लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। शाबाश। ये आप लोग अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा। मैंने पिक्चर भी भिजवा दिया ग्रुप पे, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। शाबाश।